संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज शाम 4 बजे प्रदूषण पर बहस होगी, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संसद में प्रदूषण को लेकर जवाब देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को साफ कर दिया कि अब राजधानी को ऑड इवन की जरूरत नहीं है। उन्होंने दिल्ली वालों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब मौसम साफ हो गया है, जिसके तहत ऑड इवन को लेकर जो विचार किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों पहले कि अगर स्थिति गंभीर है, खराब है, तो उसको लेकर हो सकता है कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला है उसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि चूंकि अब हवा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं ठीक हो चला है और ऐसे में दिल्ली को फिलहाल ऑड इवन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन जहां पर नए सदस्यों को शपथ दिलाए गए, दिवंगत जो सदस्य थे उनको यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही हंगामा यहां पर थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन आज का दिन इसलिए बेहद खास क्योंकि शीतकालीन सत्र की जब आज दूसरे दिन शुरुआत होगी तो इस दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रदूषण को लेकर जो स्थिति गंभीर हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई थी, उसको लेकर आज संसद में जवाब देंगे। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि संसद में उनका यहां पर संबोधन होगा, जिसमें वो बतलाएंगे कि आखिरकार कदम क्या क्या उठाए गए और कहां पर कहीं ना कहीं चूक हुई और तैयारियां कितनी यहां पर प्रदूषण के लेवल को कम करने को यहां पर की गई थी।